और मैं अपने बिजनेस के साथ एटॉमी बिजनेस को सक्सेसफुली बिल्ड कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, आज के हमारे ग्रेट स्पीकर हैं मिसेस सीमा गुप्ता जी, जो रांची झारखंड की हैं और मेरी ग्रेट अप्लायंस भी हैं। फ्रेंड्स, आज मैं उन्हीं के कारण इस जबरदस्त बिजनेस को शुरू कर पाया, थैंक्स टू सीमा मैम। फ्रेंड्स, सीमा मैम हाउसवाइफ होते हुए भी इस बिजनेस को सक्सेसफुली बिल्ड कर रही है। सभी से मेरी प्रार्थना है, फ्रेंड्स प्लीज आप लोग उन्हें ध्यान से सुने, इस बिजनेस को समझें। अब मैं इनवाइट करता हूँ आज के हमारे स्पेशल स्पीकर मिसेस सीमा गुप्ता मैम को। प्लीज वेलकम मैम एंड स्टार्ट योर सेशन प्लीज। थैंक यू रवि जी। ओके, वेलकम मैम। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार एंड वेलकम। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रवि जी, मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। जैसा कि रवि जी ने बताया, मेरा नाम सीमा गुप्ता है और मैं रांची झारखंड की रहने वाली हूँ। और सबसे पहले तो आज मैं अपने बारे में बात बिल्कुल नहीं करूंगी, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ रवि जी आज होस्टिंग कर रहे हैं, जो मेरी टीम से हैं। और अपनी टीम का कोई कुछ अच्छा करे तो बहुत ही खुशी होती है। बट मैं रवि जी से पहले उनकी वाइफ रिंकी जी का नाम लेना चाहूंगी, एंड आई एम श्योर वो मुझे सुन रही होंगी। एक्चुअली रिंकी जी रवि जी के इम्पेरियल एम्पायर की पिलर हैं। दोनों बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच रवि जी फॉर योर काइंड वर्ड्स। वेलकम और मैम। थैंक यू सो मच। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। किसी भी कंपनी से जुड़ने से पहले उसकी प्रोफाइल को 1 मिनट में स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ। यस मैम। मुझे ऑप्शन मिला है क्या स्क्रीन शेयर का? रवि जी, मुझे ऑप्शन मिला है? आपको मैम, आपको होस्ट है, एक आपको होस्ट है। मैम, आप शेयर कर सकती हो। मिनट, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। स्क्रीन आ रही है मेरी? ओके, यस मैम। थैंक यू। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये किसी भी, जैसा कि मैं बता रही थी, कंपनी से जुड़ने से पहले हमें उसके प्रोफाइल को जानना होता है। जैसे कि मैं कहूँ कि अगर हमें अपने बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराना है, तो हम लोग 10 स्कूल देखते हैं। कौन सा स्कूल अच्छा रहेगा, कहाँ पे उसे बेटर फ्यूचर मिलेगा। हमें रिलेशन बनाना है कि अपनी बेटी की शादी करना है, बेटे की के बारे में फैमिली देखना है कि कैसा फैमिली, कैसी है, बैकग्राउंड कैसा। मतलब हम लोग किसी भी चीज से जुड़ने से पहले उसके बारे में सारी जानकारी लेना चाहते हैं। सेम उसी तरह हम चाहेंगे कि हम जिस कंपनी से जुड़ रहे हैं, आगे चलकर इसमें कोई परेशानी ना हो। तो मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगी, क्योंकि आगे हमें बहुत सारी बातें करनी है। और जैसा कि सब लोग जानते हैं, मैं देखती हूँ यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, जो पुराने लोग भी हैं, कुछ नए लोग भी हैं। तो एटमी जो है वो स्टार्ट हुई थी 2010, 2010 में, और ये ग्लोबली लॉन्च हुई है 2010 में, और 20 कंट्रीज में सक्सेसफुली अभी रन कर रही है एटमी। अभी मोर देन 50 कंट्रीज में लॉन्चिंग की पूरी तैयारी हो चुकी है। तो
आपके अगर यूके, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, एक्स्ट्रा जो भी 20 कंट्रीज में आपके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स हैं, तो आप उनके साथ में वहाँ बिजनेस कर सकते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा खर्च के। और अब तो जैसे हमारा सोशल मीडिया का सेशन होता है, उसमें बताया जाता है कि आपके कोई रिलेटिव नहीं भी है, कोई जान पहचान नहीं भी है दूसरे कंट्रीज में, तब भी आप सोशल मीडिया का यूज करके आप वहाँ पर भी अपना बिजनेस दूसरी कंट्रीज में भी जहाँ जहाँ पे एटमी लॉन्च हो चुकी है वहाँ आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। और इसके लिए आपको सारी जानकारी हमारे सोशल मीडिया सेशन में मिल जाती है। इट मीन्स कि आप ग्लोबली वर्क कर सकते हैं एटमी में और ग्लोबल लीडर बन सकते हैं। तो कंपनी के बारे में अगर मैं कहूँ तो ये 1.73 बिलियन डॉलर का टर्नओवर है कंपनी का, 4 मिलियन एक्टिव मेंबर्स हैं। इट मीन्स बहुत तेजी से ग्रो कर रही है कंपनी, मोर देन 1 लाख पीपल मल्टी मिलियनेयर बन चुके हैं अब तक, 10 साल का टारगेट पूरा कर चुकी है कंपनी पिछले 11 सालों में। ये 11 सालों का हिस्ट्री है एटमी का, और इसने अपने 10 साल के टारगेट जो इसने तय किए थे वो उसने कंप्लीट कर दिए हैं, और 100 साल का टारगेट लेकर कंपनी चल रही है। इट मीन्स हम, हमारे बच्चे और उनके बच्चे, यानी 3 जनरेशन का पूरा प्लान है कंपनी का। तो अगर आप इस तरह से मान के चलिए कि आप किसी भी अपने वर्क प्लेस में हैं, मान लीजिए कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई किन्हीं का कोई सर्विस कर रहे हो, तो आप जब रिटायर होते हो तो रिटायरमेंट के बाद आपका जो मंथली इनकम है वो खत्म हो जाता है, आपके बाद के जनरेशन को वो नहीं मिलने वाला। एटमी में ये प्रावधान है, ये सिस्टम है कि आप जिस भी कंडीशन, जिस भी लेवल पे रिटायर करते हैं, आपका जो भी अमाउंट आ रहा है, जो मंथली इनकम आ रहा है, वो आपके नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर होता है होल लाइफ, एंड देन उसके नेक्स्ट जनरेशन को। इस तरह का प्लान लेकर के कंपनी चल रही है। किसी भी कंपनी की बात अगर हम करें और उसके फाउंडर की बात ना करें तो फिर जानकारी अधूरी रह जाती है। तो एटमी के जो फाउंडर है मिस्टर हैंग गिलपार्क, 20 ईयर्स का इनका मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है, बहुत सारे अवार्ड्स इन्होंने अचीव किए हैं, वुशुंग यूनिवर्सिटी से एमबीए का कोर्स किया है इन्होंने, और इन्हीं की रिवोल्यूशनरी सोच का नतीजा है एटमी। एक्चुअली 20 ईयर्स इन्होंने रिसर्च किया है, क्योंकि नेटवर्क में ज्यादातर, नेटवर्क मार्केटिंग में ज्यादातर लोग सक्सेसफुल नहीं होते, कुछ वर्क करके फिर उसको उसे छोड़ देते हैं, या मतलब कई तरह के कंडीशंस होते हैं जो लोगों के फेलियर होने का की वजह बनती है। तो इन सब चीजों पे इन्होंने वर्क किया है और उसका जो नतीजा, उसका जो रिजल्ट आया है वो एटमी में इन्होंने सारी बाउंड्री, सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल कर एटमी को की नींव रखी है। जैसे कि मान के चले आप दूसरी किसी भी कंपनी की बात अगर करते हैं तो वहां पे आपको मंथली परचेज करने का एक फाउंडेशन रहता है, आपके हर मंथ में जो भी आपके पॉइंट्स आते हैं, जो भी आपकी इनकम होती है, अगर उस पॉइंट्स को आप नेक्स्ट मंथ में नहीं लेकर के जा सकते हैं, आपकी खत्म हो जाती है, अगर आपने नेक्स्ट वो लेवल को अचीव नहीं किया तो नेक्स्ट मंथ आपका जीरो हो जाता है। तो ये सब चीज यहाँ एटमी में नहीं है, इन्हीं सब चीजों पे वर्क किया है इन्होंने और फिर उसका जो नतीजा निकला है वो एटमी के रूप में हमारे सामने है। आगे हम चलते हैं तो एटमी है बेसिकली साउथ कोरिया की कंपनी है, और ये साउथ कोरिया गवर्नमेंट की कंपनी है जो दो मेन गवर्नमेंट की दो यूनिट्स के मिलने से बनी है, केरी एंड पोलमार। केरी मीन्स होता है कोरियन एटॉमिक रिसर्च एनर्जी इंस्टीट्यूट, जैसा कि यूएस में नासा, भारत में इसरो, एटमिक रिसर्च रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसलिए एटमी के जो प्रोडक्ट्स की क्वालिटी है वो हाई क्वालिटी की, क्योंकि एटमिक रिसर्च सेंटर में तैयार हो रही बायो टेक्नोलॉजी एंड फर्मेंटेशन मेथड से प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं। कोलमार की बात करें तो कोलमार में इसका के प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन होता है, 100 साल पुरानी कंपनी है, नाम ही काफी है। आगे हम चले तो एटमी के में प्रोडक्ट्स की रेंज क्या क्या है, प्रोडक्ट्स के बारे में अगर हम जानना चाहें तो
तो इसके जो प्रोडक्ट्स रेंज में आते हैं हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स, पर्सनल केयर, ब्यूटी केयर, स्किन केयर, होम केयर, गारमेंट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मेनी मोर, मतलब आपको मोर देन 1 लाख प्रोडक्ट्स यहाँ पे हैं। इंडिया में अभी फिलहाल 60 प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हैं और धीरे धीरे आ ही रहे हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो अभी क्यू में है, लॉन्च होने वाले हैं। अगर मैं अजा मॉल की बात करूं तो अजा मॉल एटमी का एक जो मॉल है, ये अगर इसकी बात करें तो ये वर्ल्ड की बेस्ट कंपनीज के प्रोडक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल है। जैसा कि मैं इस तरह से बताना चाहूंगी, मान लीजिए किसी को एलजी की का टीवी पसंद है, किसी को वर्लपूल की वॉशिंग मशीन पसंद है, रिबॉक के शूज पसंद है, ब्लैकबेरी के कपड़े पहनना चाहते हैं, कोई लिनन किंग पसंद है किसी को, तो सारी बेस्ट वर्ल्ड की जो टॉप ब्रांडेड कंपनीज है उनके प्रोडक्ट्स अजा मॉल में मिलने वाले हैं। जैसे कि आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हो तो आप उस कंपनी का ही प्रोडक्ट आप लेने के लिए बाध्य हो, आप दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट्स नहीं ले सकते। आप दूसरी जगह से बाय करोगे तो उसका आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। बट एटमी का जो अजा मॉल है, यहाँ पे आप किसी भी बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स लेते हैं, किसी भी टॉप ब्रांडेड कंपनीज के प्रोडक्ट आप लेते हैं, तो इसके जो पॉइंट्स है वो आपको मिलेंगे। आपकी टीम के कोई भी पर्सन यहाँ अजा मॉल से अगर कोई प्रोडक्ट ले रहा है, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके अकाउंट में आप इनकम आएगी। ये फ्यूचर प्लान है एटमी का। देखिए, किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने के दो मेन रीजन होते हैं, कंपनी का प्रोडक्ट और कंपनी की का बिजनेस प्लान। हम किसी भी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो इन्हीं दो वजहों से ज्वाइन करते हैं। बहुत सारे लोगों को प्रोडक्ट्स पे इंटरेस्ट होता है कि प्रोडक्ट इसके किस क्वालिटी के हैं, कैसे हैं। बहुत लोगों को इनकम प्लान से का इंटरेस्ट होता है कि मुझे किस तरह के से इनकम आने वाली है। आज हम लोग दोनों बातों पे थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं अगर प्रोडक्ट्स की बात करती हूँ तो इसका जो स्टार प्रोडक्ट मैं कहती हूँ इसे हमेशा, एटमी का टूथपेस्ट। टूथपेस्ट अगर मैं कहूँ तो इसमें 20-21 प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन है। जैसे है तो ये पेस्ट, तो पेस्ट की अगर बात करें तो दांतों के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे बैड ब्रीथ का प्रॉब्लम, गम्स में गम्स ब्लीडिंग की प्रॉब्लम, टार्टर का प्रॉब्लम, ये सारे प्रॉब्लम्स तो आपके खत्म होते ही हैं। सेंसिटिविटी, ये सारे प्रॉब्लम्स तो खत्म होते ही हैं। इसके अलावा मोर देन 20 प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है इसमें। जैसे कि आप कहीं कट गया, जल गया, तो उसके लिए भी सॉल्यूशन है। कटे पे आप लगाओ क्योंकि ये एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल, एंटी इंफ्लेमेटरी, प्रोपोलिस है क्योंकि इसमें प्रोपोलिस एंड ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट। प्रोपोलिस आप जानते ही होंगे जो मधुमक्खी के छत्ते में होता है। मधु हनी को अगर आपने कभी सुना होगा कि 100 साल तक रख दिया जाए तो वो खराब नहीं होता अगर उसमें हाथ ना लगाया जाए, तो वो किस वजह से खराब नहीं होता, इसी प्रोपोलिस की वजह से। और ये प्रोपोलिस से ही ये एटमी का टूथपेस्ट बनाया। तो इसमें जलने, कटने, स्किन के प्रॉब्लम्स, इन सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। और मैं इस चीज को दावे के साथ कर सकती हूँ क्योंकि मैंने इसको एक्सपीरियंस किया है। जलने पे लेडीज के क्या होता है कि किचन में काम कर रहे हैं तो अक्सर ये इंसिडेंट इंजरीज होती रहती है, तो मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जलने पे इफेक्ट करता है। मैं पहले हमेशा वो एक आजकल तो बर्नोल नहीं आता है, मैं नाम भूल रही हूँ, वो रखती थी जो जलने पे लगाया जाता। अब मेरे किचन में वो नहीं रहता है, मैं पेस्ट लगाती हूँ क्योंकि मैंने इसको एक्सपीरियंस किया है। जब भी मुझे इस तरह का प्रॉब्लम हुआ है, ब्रिस्टल नहीं पड़ते जलने पे, तेल का छींटा पड़ गया ना तो दाग पड़ जाएंगे स्किन में और फिर वो महीनों नहीं ठीक होता, जो देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बट पेस्ट लगाने से स्किन पे दाग नहीं आते और इसके जो ब्रिस्टल पड़ जाते हैं ना, ब्लैक ब्लैक हो जाता, वो भी नहीं स्किन में होता है। तो ये तो एक एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ। मैं एक और एग्जाम्पल बताना चाहूंगी। कुछ दिन पहले ऐसा था कि मैं कुछ ज्यादा ही मोबाइल यूज कर रही थी। मैं ये नहीं बोलूंगी किसी की, आप भी यूज करके देखना, क्योंकि मैंने खुद यूज किया था। तो ज्यादा मोबाइल यूज करने की वजह से मेरे आंख के नीचे डार्क सर्कल और थोड़ा फ्लैपीनेस हो गया था।
तो फिर मैंने सोचा कि अरे ये थोड़ा ये क्या प्रॉब्लम है, तो मैंने ट्राई किया, एक्सपेरिमेंट किया कि क्योंकि ये एंटी फंगल है, एंटी इंफ्लामेट वो सूजन को कम करता है, तो फिर मैंने लगाया आँख के नीचे, हालांकि थोड़ा सा मिंट है इसमें, बट ट्राई करना था तो मैंने किया और विद इन वन वीक मेरा प्रॉब्लम स्किन का ठीक हो गया था। तो ये एक मेरा एक्सपीरियंस था जो मैं शेयर कर रही हूँ। एक और एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहूंगी ज्यादा समय नहीं लेते हुए। हम लोग अपार्टमेंट में रहते हैं रांची में, मेरा फिफ्थ फ्लोर में मकान है और फर्स्ट फ्लोर में एक बच्चा के साथ में क्या हुआ कि मैं मार्केट जा रही थी, मैंने देखा नीचे वो रो रहा था, गिर गया था, तो और उसकी दादी उसे लेकर के जा रही थी डॉक्टर के पास। कोरोना का समय था, लोगों ने कहा कि अभी मत जाओ क्योंकि शाम के समय बहुत भीड़ रहती है डॉक्टर के पास, तो सुबह जब खाली रहेगा तब लेकर जाना। मैंने कहा कि आओ मेरे घर में चलो। उसके दोनों हाथ छिल गए थे, चेहरे पे चोट आई हुई थी और क्योंकि उसे डॉक्टर पास नहीं जाना था तो मैं उसे अपने घर पे लेकर के आई। मैंने उसके जहाँ जहाँ पे चोट था वो लगा दिया और छोटा वाला पेस्ट मेरे पास था मैंने उसे दे दिया। उसकी दादी को दांत का भी प्रॉब्लम था, उसे दिया कि आप लेकर के जाओ, जैसा होगा सुबह मुझे रिटर्न कर देना। नेक्स्ट डे उनकी बेटी लेकर के आई मेरे पास, वो पेस्ट नहीं लेकर के आई, वो पैसे लेकर के आई क्योंकि आप ये पैसे रख लो और मुझे पेस्ट दे दो। मैंने उस बच्चे का देखा जो जिसे चोट आई हुई थी, उसके दोनों हाथ में सूजन था, वो सूजन ठीक हो गया था और जो चोट था वो 50% मतलब सूख गया था। तो इतना इफेक्टिव है, होल नाइट में रात भर में उसको इतना फर्क आ गया था। तो अभी सिर्फ पेस्ट की बात नहीं करें, बहुत समय लग जाएगा, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट है ये है शैम्पू। इस शैम्पू के बारे में तो मैं क्या कहूँ, जब ये शैम्पू लॉन्च हुआ था इंडिया में तो ये मिल नहीं रहा था, इतनी ज्यादा ये शैम्पू एंड ये हेयर टॉनिक, क्योंकि अब जिसके बाल नहीं हो सर पे, चाहे वो लेडीज हो या जेंट्स बाल झड़ रहे हो, उनसे उनसे आप बात करके देखिएगा कितना कितने परेशान होते हैं लोग। बालों की समस्या आजकल हर घर में है और ये इसका बिल्कुल 100% सॉल्यूशन है, क्योंकि मैंने जिनको भी ये बताया, रिकमेंड किया है, जिन्हें भी ये शैम्पू एंड हेयर टॉनिक दिया है, सबका रिजल्ट 90-100% रिजल्ट है। और फर्क सिर्फ इतना है कि किसी को जल्दी रिजल्ट आते हैं तो किसी को थोड़ा सा टाइम लगता है, बट रिजल्ट आते हैं, बालों का हेयर रीग्रोथ होता है। ये जो शैम्पू आप देख रहे हो ना, ये शैम्पू 100% नेचुरल है, प्लस इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये बायोटेक्नोलॉजी यूज होता है और ये एटमिक रिसर्च सेंटर में बन रहा है, तो ये इस क्वालिटी हाई क्वालिटी का है कि जो भी बाल के जो सर जो स्कल्प में जो पोर्स होते हैं जो बंद हो गए होते हैं किसी कारणवश, तो उन स्कल्प के जो पोर्स होते हैं उनकी सफाई करता है और फिर जब हम हेयर टॉनिक यूज करते हैं तो वो उसका बालों का रीग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह इस क्वालिटी का यह प्रोडक्ट है। जैसा कि मैं आपको जो भी बता रही हूँ मैं प्रूफ के साथ बताऊंगी, क्योंकि हम लोग बातें बहुत करते हैं कि ये हो गया वो हो गया, लोगों को लगता है कि कैसे माने कि सचमुच में ये सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये जो आप देख रहे हैं पिक्चर में जो है, ये हमारे ही ग्रुप के मेम्बर है, उनके रिलेटिव है और इनको देखिए 4 मंथ का ये रिजल्ट है, 4 मंथ में इनके हेयर आना स्टार्ट हो गए। तो हम लोग वैसे तो मैंने कई लोगों को दिया है, उनके भी रिजल्ट्स आए हैं, बट ये जो प्रूफ है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। नेक्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट है वो है इवनिंग केयर का सेट। इसके बारे में अगर मैं कहूँ तो ये बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है। इसमें 4 प्रोडक्ट आते हैं, जैसे फर्स्ट है डीप क्लींजर है, जो कि आप जैसे कहीं बाहर जाते हो या लेडीज को मेकअप वगैरह करती हैं तो जो ऊपर का जो लेयर होता है परत होता है उसकी सफाई की, स्किन के ऊपर फर्स्ट लेयर की सफाई के लिए होता है, डस्ट वगैरह आप इससे बिल्कुल अच्छी तरह से साफ हो जाते हैं। और जो नेक्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट है फोम क्लींजर, फोम क्लींजर आपकी स्किन को डीपली साफ करता है, जो भी पोर्स से एक बार ही आप इसे यूज करो, फर्स्ट टाइम ही आप यूज करो तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी क्वालिटी क्या है।
होम क्लींजर एज अ फेस वॉश यूज कर सकते हैं हम इसे। दूसरा तीसरा जो प्रोडक्ट है वो पीलिंग जेल है। पीलिंग जेल आपका एक्सफोलिएटिंग का काम करता है स्किन में। हमारे सेल्स जो डेड सेल्स होते हैं वो पीलिंग जेल से निकलते हैं। अगर आप स्किन पे इस पे लगा करके थोड़ा सा रब 5 मिनट बाद थोड़ी देर सूखने तो फिर इसे रब करके निकाल दो तो स्किन के जो भी डेड सेल्स हैं वो निकल जाएंगे। देन लास्ट में होता है पील ऑफ मास्क। ये चार चीज अगर आप वीकली करते हो तो आपको कभी पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे वो लेडीज हो या जेंट्स हो। क्योंकि देखिए हम कुछ भी कितना भी अच्छा प्रोडक्ट यूज कर लें, किसी भी क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज करें, अगर आपके स्किन की सफाई नहीं हुई है, इस तरह से आप समझो कि अगर आपने स्किन में कुछ लगाया हुआ है और आपके स्किन का लेयर साफ ही नहीं है तो वो कैसा लगेगा, पैच लगेगा। या फिर आप कोई चीज यूज कर रहे हो, कोई अच्छी कंपनी कोई अच्छी चीज यूज कर रहे हो अपनी स्किन पे और आपने स्किन की सफाई ही नहीं की हो तो वो काम कैसे करेगा स्किन पे। तो इसके लिए आपको इवनिंग केयर बहुत ही बेस्ट प्रोडक्ट है जो आपको फर्दर आपकी स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है, आपकी स्किन के क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। जैसे मैंने कहा कि मैं एग्जांपल के साथ में बताऊंगी, ये है मनीषा जी। मनीषा जी को मैं जानती हूँ, हमारी टीम की हमारी ग्रुप की है और इनसे बात भी हुई हमारी। तो इन्होंने द फेम यूज किया था, आई थिंक 5 to 6 months यूज किया पर इन्हें उतना अच्छा सेटिस्फेक्टरी रिजल्ट नहीं आ रहा था। फिर इन्होंने द इवनिंग केयर यूज किया, उसके बाद का जो रिजल्ट है वो आप क्लियर देख सकते हो इनके फेस पे। इवनिंग केयर क्या होता है ना कि आपकी स्किन की सफाई अच्छे से कर देती, जो भी प्रॉब्लम है आपकी स्किन में, बहुत सारे लोगों की झाइयां है या पिंपल है जो कि स्किन के की बेस्ट अच्छी तरह से सफाई नहीं होने की वजह से होती है, तो वो स्किन का प्रॉब्लम को खत्म करके उसके बाद अगर आप कोई भी चीज यूज करो बेस्ट क्वालिटी का तो उस पे इस तरह का रिजल्ट आता है जो आप सामने में देख रहे हो। ये मैं एम्पुल की बात कर रही हूँ, ये जो आप देख रहे हो पिक्चर में ये एम्पुल है जो कि एब्सोल्यूट सेट का एक पीस है। एम्पुल क्या है, ये डी एजिंग है। आप मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट आज तक देखे होंगे जो कि यूज करते हैं आते हैं एंटी एजिंग बोलकर। एंटी एजिंग क्या होता है कि स्किन के को की एज को ब्लॉक कर देता है और आपकी एज को आगे नहीं बढ़ने देता, मतलब आपकी स्किन जिस एज की है वहीं पे ब्लॉक होगी, आगे फर्दर उसमें कोई नुकसान नहीं होगा। बट ये एम्पुल जो एब्सोल्यूट का एम्पुल है ये डी एजिंग का काम करता है। ये आपकी स्किन को 10 to 15 years बैकवर्ड की तरफ ले जाएगा। इट मीन्स कि आपकी स्किन की टेक्सचर को सुधारता है और वो आपका स्किन 10 to 15 years बैकवर्ड की तरफ जाती है। तो आप कह सकते हैं कि आप कितने इयर्स कम करना चाहते हैं। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं इन्हें मैं नहीं जानती हूँ बट इनका रिजल्ट दिख रहा है पिक्चर पे। नेक्स्ट हमारा जो प्रोडक्ट है ये द फेम है। फेम के बारे में तो कहना थोड़े से समय में पॉसिबल नहीं है, इसके लिए पूरा सेशन लेना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ही हाई क्वालिटी और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देने वाला प्रोडक्ट है। इसमें 5 प्रोडक्ट आते हैं, लोशन, आई क्रीम, एसेंस, न्यूट्रिशन क्रीम एंड टोनर। और ये पांचों प्रोडक्ट अपने आप में 100% है। आप इसका एक भी चीज यूज कर लो तो ये आपकी स्किन के लिए बहुत ही बेटर रहेगा। ये मैं इसलिए कह पा रही हूँ क्योंकि मैंने यूज किया है, मुझे पता है इसके रिजल्ट्स। जो इन्होंने जिनका पिक्चर आप देख रहे हैं ये ज्योत्सना जी हैं भोपाल की, इनका खुद का पार्लर है। इनके फेस पे पिंपल और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं इनके फेस पे, इन्होंने द फेम यूज किया, ये द फेम का रिजल्ट है। इसके अलावा बहुत सारे हेल्थ प्रोडक्ट्स भी हैं, विटामिन सी के प्रोडक्ट हैं और ये जैसा कि आप देख रहे हैं जो पोमीग्रेनेट जो होता है वो टर्की का बेस्ट क्वालिटी का माना जाता है। और इसके ये जो पोमीग्रेनेट जेली है, कॉफी की बात अगर मैं कहूँ कॉफी अरेबिका ब्लैक कॉफी, तो ये इसमें इतने सारे फायदे हैं कि जैसे कि एनर्जी लेवल को बूस्टअप करता है, गाउट के लिए अच्छा है, लीवर के लिए अच्छा है,
डिप्रेशन को रिड्यूस करता है, वेट लॉस के लिए भी अच्छा है, ये डायबिटीज के रिस्क को कम करता है, बहुत सारे फायदे हैं, कैंसर के रिस्क को कम करता है, अल्जाइमर एंड पार्किंसन डिजीज को प्रिवेंट करता है, इस तरह से इसके बहुत सारे फायदे हैं। और इस बार बहुत सारे प्रोडक्ट्स और भी हैं जिसके बारे में थोड़े से समय पे डिस्कस करना इतना पॉसिबल नहीं है। तो जैसा कि प्रोडक्ट्स मैंने कहा कि दो बातों को लेकर के हम किसी भी कंपनी के साथ में ज्वाइन करते हैं, पहला होता है प्रोडक्ट एंड दूसरा होता है इसका बिजनेस प्लान। तो प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ा सा अभी हमारी जानकारी जितनी भी है, अगर आप ज्यादा जानकारी जानना चाहते हो, ज्यादा कुछ जानना चाहते हो, तो इसकी साइट पे जाकर के आप देख सकते हो, क्योंकि हमारे पास अभी इंडिया में 60 प्रोडक्ट्स ऑलरेडी लॉन्च हैं और आ रहे हैं, आने वाले हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं और जिसकी जानकारी आप इसकी साइट पे ले सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा अगला सेशन है जिसमें हम बिजनेस प्लान के बारे में जानेंगे। बिजनेस प्लान के बारे में जानने से पहले मैं एक छोटा सा वीडियो क्लिप आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी, क्योंकि जो भी आज का जो मेरा सेशन है ये इसी बात को लेकर के है कि बहुत सारे लोग बिजनेस ज्वाइन तो कर लेते हैं पर उनका प्रॉब्लम होता है कि मुझसे हो नहीं रहा, या फिर मुझे प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। तो हमारा आज का जो सेशन इस बारे में हम बात करेंगे कि प्रॉब्लम क्यों आती है और इसे किस तरह से सॉर्ट आउट किया जा सकता है। तो हैव अ लुक। थैंक यू। कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी चीज को नहीं जान रहे हो तो आप उस पर हाथ ही मत लगाओ। जब तक आप उस चीज को समझ नहीं लेते हैं, अगर मान लीजिए कोई डॉक्टर मेडिकल किया ही नहीं है और उसने अगर नर्सिंग होम खोल दिया तो क्या कोई पेशेंट उसके पास जाएगा? या कोई प्रोफेसर अगर उसने पढ़ाई नहीं की है, कोई लेक्चरर अगर उसने पढ़ाई नहीं की है,
क्या कोई स्टूडेंट उसके पास जाएगा? बिल्कुल नहीं। जब तक आप अच्छी तरह से खुद नहीं जान जाते हो कि बिजनेस क्या है, कैसे किया जा सकता है, आप उसको आगे नहीं बढ़ा सकते। आप जब तक समझोगे नहीं कि उसकी डीपली जाकर आप उसकी स्टडी नहीं करोगे, आप कैसे कह सकते हो कि आप बिजनेस को हैंडल कर लोगे, आप बिजनेस अच्छे से कर सकते हो। जिस तरह से आप एक प्लेन नहीं उड़ा सकते, उसी तरह आप बिजनेस को भी जब तक नहीं समझोगे नहीं कर पाओगे। बिजनेस आगे जो बिजनेस प्लान है हमारा, तो आइए हम लोग बिजनेस प्लान देखते हैं। इससे पहले मैं बताना चाहूंगी कि कंपनी का जो कंपनसेशन प्लान है, उसमें कंपनी का 44% जनरल मैचिंग कमीशन के लिए जाता है, सॉरी मास्टरशिप बोनस के में जाता है 20%, और 6% कंपनी एजुकेशन सेंटर में खर्च करती है, 30% शेयर कंपनी का होता है। तो कंपनी को समझने के लिए हमें इसका बिजनेस प्लान समझना जरूरी है। आगे हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम इनकम कर सकते हैं। जो इसका हमारे कंपनी का जो बिजनेस प्लान है, इतना ही इतना सरल, इतना इजी है कि कोई भी अगर थोड़ा सा समय दे और टाइम दे तो आसानी से इसे कर सकता है। आपको ज्वाइन करने के लिए कोई भी फी नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लगती है। आप ज्वाइन हो जाते हो अगर, तो इसके बाद आपको इनकम करने के लिए, आपको अपना कार्ड एक्टिव करने के लिए 1500 से 2000 का खर्च करना पड़ता है, जिससे आपके अपने पर्सनल पॉइंट्स हो जाते हैं 10,000। 10,000 पॉइंट्स आपने अपने कर लिए तो फिर आप फर्दर, आपको लाइफ लॉन्ग आप कुछ खर्च नहीं भी कर रहे हो तो आप की इनकम होती रहेगी। तो ये समझिए कि कितना इजी प्लान है। आपने 2000 का खर्च करके आप लाइफ लॉन्ग एक बड़ी कंपनी के साथ में बड़ा इनकम कर सकते हो, और नॉट ओनली इंडिया, ये वर्ल्ड वाइड, जैसा कि मैंने बताया कि ये ग्लोबल है, ग्लोबली वर्क कर सकते हो, आप ग्लोबल लीडर बन सकते हो। तो इसके लिए करना क्या है कि आप ये कम एटमी बाइनरी प्लान है इसका, दो टीम बनानी पड़ती है आपको, लेफ्ट एंड राइट में। आपको लेफ्ट में एक टीम बनानी है, राइट में एक टीम बनानी है। तो आपकी जिस तरह से आपने अपना रजिस्ट्रेशन कराया और आप ज्वाइन हो गए, उसी तरह आपको अपनी टीम को का भी रजिस्ट्रेशन कराना है। और जैसे कि आपने अपना कार्ड एक्टिव किया, उसी तरह आपको अपने लोगों को भी बताना है, समझाना है और सिखाना है कि किस तरह से उनका कार्ड एक्टिव होगा और किस तरह से उनकी टीम बनेगी। जैसे आप अपनी टीम की का ग्रोथ करते हैं, आपका खुद का भी ग्रोथ होता है इसी पे। आगे हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे ही आपकी दोनों साइड, दोनों टीम में आपको 3-3 लाख, जैसे आपने 2000 खर्च किया, आपकी 10,000 पॉइंट बन गए, आपकी 1 रुपए पे 3 से 10 पॉइंट्स मिलते हैं। तो कम पैसे पे पॉइंट्स ज्यादा मिल रहे हैं यहाँ पे। तो इसी तरह से 3 लाख पॉइंट आपके लेफ्ट में और 3 लाख पॉइंट आपके राइट में होते हैं तो आपकी इनकम स्टार्ट हो जाती है। और फर्स्ट मैचिंग पे आपको मिलता है 1321 रुपये। ये 1321 रुपये आप मंथ में जितना वर्क करते हो, जितनी मेहनत करते हो, उतनी बार आपको मिलता है। अगर हम मानकर चलते हैं कि मंथ में 30 डेज का अगर मंथ है, तो संडे को अगर छोड़ दिया जाए तो 25 डेज का वर्किंग डे होता है। तो 25 डेज आप इनकम कर सकते हो 1321 रुपये हर दिन का, क्योंकि ये डेली मैचिंग है। मान लीजिए आप 25 डेज नहीं भी करते हो तो 20 दिन, 15 दिन, 25 दिन तो मैचिंग आपकी होगी, 10 दिन तो मैचिंग आपकी होगी। 10 दिन भी अगर आपने मैचिंग कर लिया तो आपके 15 से 20 हजार रुपये आसानी से आएंगे। अगला जो लेवल होता है वो एजेंट लेवल होता है। मैं अपना एग्जांपल लेकर के बताती हूँ कि मैंने स्टार्टिंग में कुछ प्रोडक्ट्स लिया। मान लीजिए मैंने पेस्ट ही लिया, मुझे पेस्ट अच्छे लगे, मैंने दोबारा उसे लिया। फिर मुझे मेरे बाल का प्रॉब्लम था तो मैंने शैम्पू लिया। फिर मेरे बाल का रिकवरी बोल दें या टेक्सचर बोलें, ये देख करके मेरे फ्रेंड सर्कल में लोगों को अच्छा लगा, उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या यूज़ कर रहे हो। मैंने उन्हें भी बताया कि ये शैम्पू के बारे में, या स्किन का टेक्सचर अगर आपका अच्छा हो रहा है तो आप उसके बारे में लोगों को शेयर कर सकते हो, या लोगों ने पूछा तो आप उन्हें बताओ। तो अगर
उन्हें चाहिए तो आप अपनी आईडी से उनके लिए भी परचेस करो, उनको दो। तो क्या है कि आपकी आईडी में से आपने परचेस किया तो आपके पॉइंट्स बढ़े, इस तरह से करते करते आपके पर्सनल अगर पॉइंट्स 3 लाख हो जाते हैं तो उसके बाद सेम आपकी टीम में दोनों साइड 3-3 लाख की मैचिंग होती है, तो आपको 1321 के जगह आपको 4,000 लगभग 4,000 के आसपास आपको इनकम आती है। और ये 4,000 आपको सेम थिंग मंथ में आपकी जितनी बड़ी टीम है आप, या देखिए टीम बड़ी होना इतनी जरूरी नहीं है, टीम एक्टिव होना और अच्छी टीम होना ज्यादा जरूरी होती है। आपके 10 लोग भी अगर टीम में एक्टिव है तो आपकी रेगुलर मैचिंग आती रहेगी, फिर आप कोशिश करो कि उनकी मैचिंग आए, क्योंकि आपके अंदर आपके साथ काम करने वाले लोग अगर की अगर इनकम हो रही हो तो आपकी भी होगी और आपको खुशी जो मिलेगी वो एक्स्ट्रा है, बोनस है, ठीक है। तो ये हमने सेकंड लेवल था। जो थर्ड लेवल है हमारा वो है स्पेशल एजेंट का। स्पेशल एजेंट के लिए आपकी पर्सनल पीबी जो होनी चाहिए वो 7 लाख की होनी चाहिए और आपको लेफ्ट एंड राइट में 7-7 लाख की मैचिंग होती है, 7-7 लाख पॉइंट की मैचिंग होती है। तो आपकी जो इनकम होती है 7,929 रुपए लगभग 8,000 रुपए डेली मैचिंग का है, ये पर डे की मैचिंग है। अगला जो हमारा लेवल होता है वो डीलर लेवल होता है। डीलर लेवल के आपकी अपनी पॉइंट वैल्यू होनी चाहिए 15 लाख और 15-15 लाख की मैचिंग पे आपको लगभग 16,000 का इनकम आता है पर डे का मैचिंग। नेक्स्ट लेवल जो हमारा है वो एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर का। एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर के लिए आपकी पर्सनल पॉइंट्स होनी चाहिए 24 लाख की मैचिंग पे आपका जो डेली मैचिंग आएगा वो लगभग 24,000 का आएगा। यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि 24 लाख की अगर आपकी पर्सनल पीवी हो गई है, पॉइंट वैल्यू अगर आपकी 24 लाख हो गई, इसके बाद आपको लाइफ लॉन्ग अपना पॉइंट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपके पॉइंट्स पे कैपिंग लग जाती है, इसके बाद आपको कुछ भी लेना हो या कुछ भी खरीद परचेस करना तो आप अपनी टीम के आईडी से खरीदोगे, अपनी टीम के लोगों से लोगे। और अब आपको अपनी टीम पे वर्क करना है क्योंकि आपकी पर्सनल पॉइंट्स कंप्लीट हो चुकी है। ये पॉइंट्स आपको लाइफ लॉन्ग रहने वाले हैं, ये कभी फ्लस आउट नहीं होते हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया 10,000 से स्टार्ट होते हुए धीरे धीरे आपके एक्युमुलेट होते जाते हैं पॉइंट्स, और जब आपके 24 लाख पॉइंट्स बन जाते हैं इसके बाद आपकी 3 जनरेशन तक ये पॉइंट्स जाते हैं। आपको यहाँ पे पॉइंट्स के लिए मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं, आपको मेहनत करना होगा अपनी टीम के ऊपर। और इस तरह से नेक्स्ट जो है पॉइंट्स आपके उतने ही हैं और 60 लाख पॉइंट की मैचिंग पे आपकी जो इनकम होती है लगभग 40,000 की होती है। अगला जो लेवल है वो 2 करोड़ की मैचिंग पे आपकी जो इनकम आती है वो 66,073 की इनकम आती है जो पर डे की मैचिंग है। नेक्स्ट है एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर। एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर के लिए 5-5 करोड़ की मैचिंग होनी चाहिए और यहाँ पे इनकम होता है लगभग 80,000 का पर डे का मैचिंग है। ये अभी तक हमने देखा डेली मैचिंग जो आपको डेली बेसिस पे आपकी इनकम आ रही है। अब जो हम देखेंगे ये मास्टरशिप बोनस के लिए देखने वाले हैं। मास्टरशिप बोनस में थोड़ी सी समझने की जरूरत है कि जैसा कि मैंने कहा कि आपके पर्सनल पॉइंट्स हैं वो कभी फ्लश आउट नहीं होते हैं। आपके पर्सनल पॉइंट अगर 7 लाख हैं तो आप 7 लाख हो चुके हैं तो आप सेल्स मास्टर के लिए एलिजिबल हैं। और अब आपको करना क्या है, आपको अपनी टीम में लेफ्ट एंड राइट में 25 लाख का पॉइंट 15 के अंदर, मतलब मंथ के पहली से 15 तारीख के बीच में आपको 25 लाख पॉइंट करना है। अगर और ये पॉइंट्स आपको हो सकता है आपकी 7 या 8 मैचिंग में हो जाती है। तो यहाँ थोड़ी सी समझने की बात है कि आपकी जो मैचिंग के पैसे आ रहे हैं वो तो आपको आ ही रहे हैं, बोनस देती है कंपनी आपको अपनी तरफ से।
और ये बोनस 15 दिन के लिए 40,000 है। मतलब आप ये इस तरह से समझिए कि 35,000 की आपकी इनकम आपकी मैचिंग की आ रही है, 40,000 आपके 15 दिन की बोनस आपको कंपनी दे रही है। और अगर हम नेक्स्ट 15 दिन भी सेल्स मास्टर कंप्लीट कर लेते हैं तो 1.5 लाख की आपकी मतलब 40 यहाँ पे 1,40,000 तो आपका जो मैचिंग का हो गया जो कैलकुलेटेड है 1,40,000, जैसे कि मैचिंग एंड बोनस लेकर के कैलकुलेटेड है, प्लस इसका मैचिंग का आपको अलग से भी मिल सकता है। दैट मींस 2 से 3 लाख का आपका मंथली इनकम हो जाता है, जो ये आपका मास्टरशिप बोनस का फर्स्ट स्टेप है। यहीं पे आपकी इनकम 2 से 3 लाख पहुंच जाती है। और ये पूरी बातें नहीं है, हमारी हमारी मीटिंग में आज भीष्म सर है, अरुण मीना सर है, ये सारे सेल्स मास्टर है, आप इनसे बात कर सकते हैं। ये लोग इतना इनकम कर रहे हैं तो ये रियल है। ये कुछ जो आप देख रहे हो यहाँ पे, इसके बोनस के अलावा जो कंपनी आपको देती है रिवॉर्ड्स, वो है फेम के 2 सेट्स एंड इवनिंग केयर के का 1 सेट। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेवल है डायमंड मास्टर का, और डायमंड मास्टर का के लिए आपका जो पर्सनल पीवी है वो 15 लाख होना चाहिए। आपके लेफ्ट एंड राइट में आपको 2 सेल्स मास्टर तैयार करने हैं। मतलब आपको अपनी टीम में 2 सेल्स मास्टर राइट में, 2 सेल्स मास्टर लेफ्ट में तैयार करते हैं तो आप डायमंड मास्टर अचीव करते हैं। जैसे हमारे विकास पाठक सर हैं, और मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जो 4 से 7 लाख का जो मंथली इनकम आता है इस पे, इस लेवल पे, वो हमारे हमारी कंट्री की बात मैं करूं अगर, तो कई डायमंड मास्टर हैं जो ये इनकम अचीव कर रहे हैं। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है कि कह दिया सुन लिया, ऐसी बात नहीं है, ये प्रूव है और ये लोगों को मिल रहा है, ये लोग कर रहे हैं। और आप इनसे बात कर सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने इतना लेवल अचीव किया और कैसे इनका इनका हर समय हमारे सेल्स मास्टर है, डायमंड मास्टर है, ये लोग हमें हेल्प करने के लिए एनी कंडीशंस में तैयार रहते हैं। यहाँ पे जो आपको कंपनी की तरफ से रिवॉर्ड्स मिलते हैं वो हैं 2 फेम का सेट, 1 इवनिंग केयर का सेट और 1 लैपटॉप मिलता है आपको या टैबलेट, जो कंपनी की तरफ से आपको रिवॉर्ड्स मिलता है। सॉरी, डायमंड मास्टर के बाद हमारा जो नेक्स्ट लेवल आता है वो है सेरोन रोज मास्टर। सेरोन रोज मास्टर के लिए आपकी अपनी जो पर्सनल पीवी होनी चाहिए वो 24 लाख की होनी चाहिए, और आपको अपने लेफ्ट में 2 डायमंड मास्टर एंड राइट में 2 डायमंड मास्टर तैयार करने हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपनी टीम पे आपको वर्क करना है और आपको टीम को लेकर के चलना है। तो आपको 1 मिनट, हाँ, यहाँ पे आपकी जो इनकम होती है वो है 8 to 9 लाख की। किसी भी कंपनी में आप वर्क कर रहे हो या किसी भी ऑफिस में आप वर्क कर रहे हो, इस पोजीशन पे पहुंचने के लिए या आपका अपना बिजनेस भी हो, तो 8 से 9 लाख का मंथली इनकम करने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं ये सबको पता है। कि अगर मैं 9 लाख छोड़ भी दूं, 8 लाख मंथली इनकम आप सोच करके देखिए कि कितनी मेहनत के बाद होता है। और ये जो सरन रोज मास्टर है, हमारे यहाँ सरन रोज मास्टर है, उनसे आप बात कर सकते हैं क्योंकि ये लोग अर्न कर रहे हैं। यहाँ पे आपको कंपनी की तरफ से जो रिवॉर्ड मिलता है वो 1,20,000 का कैश रिवॉर्ड है। यहाँ से आपको एयर टिकट्स मिलते हैं 3 नाइट्स एंड 4 डेज के लिए, 2 टूर पैकेज मिलते हैं आपको। इसी तरह हम आगे चलते जाते हैं, देखते हैं बहुत सारे, जैसे स्टार मास्टर है, स्टार मास्टर के लिए आपका पर्सनल पॉइंट तो वही जो 24 लाख का है, और आपका आपको अपने टीम में अपने लेफ्ट में 2 सेरोन रोज मास्टर और राइट में 2 सेरोन रोज मास्टर तैयार करने होते हैं। यहाँ पर आपकी जो मंथली इनकम होती है वो 15 से 20 लाख की होती है। हम
ये 20 लाख वाला पीछे वाला छोड़ देते हैं, क्योंकि 15 लाख ही हमारे मुझे सुनने में अच्छा लग रहा है कि 15 लाख का मंथली इनकम इट इज मोर देन एनफ। और ये स्टार मास्टर अभी पिछले मंथ मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है जिसने अचीव किया है, तो ये इनकम आता है, ऐसा नहीं है कि ये पूरी बातें हैं, ये कर रहे हैं लोग, अचीव कर रहे हैं इसके इसमें। और यहाँ पे जो कंपनी की तरफ से रिवॉर्ड है वो 6 लाख का कैश है और 4 टिकट्स यहाँ पे मिलते हैं 3 नाइट्स एंड 4 डेज के लिए, ये कंपनी की तरफ से रिवॉर्ड्स मिलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा लेवल है वो क्राउन मास्टर का है, सॉरी। नेक्स्ट जो हमारा क्राउन मास्टर का लेवल है, क्राउन मास्टर के लिए आपकी अपनी पर्सनल जो पॉइंट्स है वो 24 लाख का है। 1 मिनट। और यहाँ पे आपको अपने राइट में, राइट टीम में 2 रॉयल मास्टर तैयार करने, लेफ्ट टीम में 2 रॉयल मास्टर तैयार करने होते हैं। यहाँ आपका जो मंथली इनकम पहुंच जाता है 25 लाख। 25 लाख दैट मींस क्राउन आपको महसूस होने लगेगा कि आपके पास क्राउन है, क्योंकि यहाँ पे यहाँ 25 लाख आप खर्च करोगे, मतलब आपके आसपास आपके नेबर आपके सोसाइटी में आप कितने लोगों की लाइफ तब तक चेंज कर पाओगे, कितने लोगों का की हेल्प कर सकते हो, कितना जो भी आपने सपने देखे हैं वो पूरे कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बहुत सारे लोगों का, किसी के वो घर की चाहत है, किसी की बेटी की शादी होनी है, किसी को बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे ओल्ड एज होम किसी को बनाना है, मतलब कहने का मतलब ये है कि आप अपनी ड्रीम्स यहाँ पे पूरे कर सकते हैं, सिर्फ अपने ही नहीं आप अपने सर्कल अपनी सोसाइटी के लिए भी बहुत कुछ कर सकते हो। यहाँ पे कंपनी आपको देती है, कंपनी की तरफ से जो रिवॉर्ड्स है वो 4 टिकट्स देती है 10 नाइट्स एंड 11 डेज के लिए, 1 लग्जरी 40 लाख की कार मिलती है आपको, 1 करोड़ 80 लाख आपको कैश रिवॉर्ड मिलता है कंपनी की तरफ से, दिस इज मोर देन एनफ। नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट लास्ट बट नॉट लीस्ट एम्पेरियल मास्टर, नाम से ही लग रहा है कि आपका खुद का एम्पायर होने वाला है। यहाँ पे आपके पर्सनल पीवी वही रहेंगे 24 लाख, आपके लेफ्ट में 2 क्राउन मास्टर आपको तैयार करने हैं और राइट में 2 क्राउन मास्टर तैयार करने हैं। यहाँ पर भी मैं पिछला 80-50 से 90 लाख का आपका मंथली इनकम है। यहाँ पे आप 90 लाख तो छोड़ी, तो 50 लाख भी अगर मंथली इनकम होता है तो ये कितना बड़ा अमाउंट है, ड्रीम कम ट्रू की तरह। यहाँ पे जो कंपनी आपको रिवॉर्ड्स देती है वो 4 टूर पैकेज आपके लिए 10 नाइट्स एंड 11 डेज के लिए, 1 लग्जरी कार है 50 लाख की विथ ड्राइवर की सैलरी अलग से मिलती है 50,000 की, 6-6 लाख आपको मिलते हैं ऑफिस के रेंट के लिए, 1700 स्क्वायर फीट की आपकी ऑफिस यहाँ पे आपको मिलती है, आपको 6 करोड़ का कैश रिवॉर्ड जो कि प्रेसिडेंट खुद आपको ऑन स्टेज हैंडओवर करते हैं, तो ये बहुत बड़ा बहुत बड़ी रकम है। और ये सिर्फ रकम ही नहीं है, मेरे कहने का मतलब कि ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है किसी भी पर्सन के लिए। आप अपना खुद का एम्पायर बना सकते हैं, खड़ी कर सकते हैं, मतलब वो सारे काम जो आपने सोचा है वो यहाँ पे आकर के आप पूरी कर सकते हैं। ये तो रहा बिजनेस प्लान, जो कि आप अगर धीरे धीरे करके, अगर आप 1 साल में भी नहीं होता है, 2 साल मान के चलो, 2 से 3 साल हम लोग मानकर चलते हैं यहाँ पे। अभी जैसे कि मैंने मुझे ज्वाइन किए हुए 6 महीने हुए हैं और 6 महीने में मेरे इनकम आने स्टार्ट हो गए हैं, मतलब मेरे इनकम मंथली इनकम आ रहे हैं एक तरह से। तो अगर मैं 6 महीने में इनकम कर सकती हूँ तो साल या 2 साल या 3 साल भी मान करके हम लोग चलते हैं, तो 3 साल में अगर हम डायमंड मास्टर सेरोन रोज मास्टर भी पहुंच जाते हैं तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है।
50 लाख 20 लाख ये मंथली इनकम आना, और नॉट ओनली फॉर मी, आपके नेक्स्ट जनरेशन को भी, जहाँ पे आप एक लेवल को छोड़ते हो आपके नेक्स्ट जनरेशन, देन उनके नेक्स्ट जनरेशन को भी उस वही लेवल पे वही अमाउंट आपको उनको पास होता, वही चीज आप उनको मिलता है आपके नेक्स्ट जनरेशन को भी। तो ये एक फ्लेक्सिबल मैं कहूँ तो इसका जो जो स्कीम है, जो बिजनेस प्लान है, इसको आप अचीव कर सकते हो, आप इसको बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हो और बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हो इसमें। तो ये मेरा बिजनेस प्लान था, और जो भी मेरा छोटा सा जो प्रोडक्ट नॉलेज था जो मैंने आप लोगों को शेयर किया, और मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ। अगर आप खुद पे यकीन करोगे कि मैं कर सकती हूँ, आपके अंदर ही, जैसे हम लोग हमारे शास्त्र में कहा जाता है ना कि एक ब्रह्मांड है, तो आप थोड़ा सा अपनी पावर को यूज करके, खुद पे बिलीव करके अगर वर्क स्टार्ट करो, तो हम इम्पीरियल अगर 3 साल में नहीं भी पहुंच पा रहे हैं, 5 साल में पहुंच रहे हैं, 6 साल, दो भी हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अगर हम स्टार मास्टर भी पहुंच रहे हैं तो भी ये एक अचीवमेंट है। हम कितने लोगों का, कितने लोगों की ड्रीम को फुलफिल कर सकते हैं, कितने अधूरे काम है वो कर सकते हैं। मैं और क्या कहूँ, बस इतना ही कहते हुए मैं अपना प्रेजेंटेशन खत्म करती हूँ और हैंड ओवर करती हूँ रवि जी को। थैंक यू मैम, बहुत ही शानदार और जबरदस्त प्लान मैम। थैंक यू रवि जी, थैंक यू। जैसे आपने स्टार्ट किया प्रोडक्ट नॉलेज से और फिर बिजनेस प्लान, जबरदस्त मैम। थैंक यू शिवा जी फॉर योर ग्रेट प्रेजेंटेशन। अब मैं सबसे पहले नए लोगों को बुलाना चाहता हूँ, अगर इस बिजनेस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, जितने भी कोई क्वेश्चन तो प्लीज है, कोई भी नए प्लीज है। अगर इस प्लान को लेकर के या बिजनेस प्लान या प्रोडक्ट को लेकर के किसी का भी कोई भी क्वेरी हो जो जानना चाहें, कुछ नए लोग हैं अगर जानना चाहें तो क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैम, कोई भी नहीं लोग, ओके। अब मैं सबसे पहले अपने ग्रेट लीडर पूनम चौहान मैम को इनवाइट करता हूँ। प्लीज वेलकम पूनम मैम, हमारे ग्रेट लीडर के लिए कुछ बोले। पूनम मैम पूनम मैम, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। पूनम मैम, हाँ जी, हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल लीडर्स। हो नहीं पा रहा था वो अनम्यूट। नाइस होस्टिंग रवि जी, आप फर्स्ट टाइम होस्टिंग कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही बेहतरीन होस्टिंग करी आपने। और सीमा जी का तो कहना ही क्या, डे बाय डे उनका प्लान भी मैच्योर हो रहा है, साथ में साथ उनका बिजनेस भी मैच्योर होता जा रहा है। और आज का प्लान तो अब तक का सबसे बेस्ट प्लान था सीमा जी, आपका जिस तरीके से आपने वीडियोस दिखाई बीच में, मोटिवेशनल वीडियोस, और जिस तरीके से प्रोडक्ट के बारे में बात करी, अपना एक्सपीरियंस शेयर करा, मतलब ऑल इन वन, किसी भी नए पर्सन के लिए भी ये प्लान यूजफुल है और पुराने लोगों के लिए भी, तो मेरे को तो बहुत पसंद आया, जैसा कि हर बार होता है। एंड हम कह सकते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट स्पीकर हो गए हैं आप हमारी टीम के, तो मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं, बस इसी तरीके से मेहनत करते रहिए और सेल्स मास्टर जल्दी से जल्दी हम आपको देखना चाहें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू मैम जी। थैंक यू मैम। अब मैं विभा मैम को अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ। विभा मैम वेलकम। विभा मैम आप सुन रहे हैं? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, यस मैम, यस, ओके, वेलकम मैम।
थैंक यू. गुड इवनिंग ऑल लीडर्स एंड गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स. बहुत ही ऑसम प्रेजेंटेशन था. डे बाय डे इतना ज्यादा अच्छा, अनबिलीवेबल. डायमंड मास्टर बनने तक का तैयारी पूरा डायमंड की तरह निखरते जा रही है. थैंक यू विवा. बिल्कुल इतना प्राउड हो रहा है कि हम आज बहुत ज्यादा बता नहीं सकते. सारा चीज बहुत अच्छा था. एक एक चीज को टच किया है, हर चीज को. थैंक यू. बहुत अच्छा. कांग्रेचुलेशन इतना अच्छा प्रेजेंटेशन के लिए. एंड थैंक यू भी. थैंक यू विवा. यहाँ पे यहाँ तक लाने वाली तुम ही हो. बहुत अच्छा था. नहीं नहीं वैसा नहीं है. तुम्हारा खुद का मेहनत है. साथ देना अलग बात है. हम साथ साथ चलेंगे. बहुत अच्छा था. ओके थैंक यू मैम. हम साथ साथ हैं. थैंक यू. थैंक यू मैम. अब मैं हिमांशु सर को अनम्यूट कर रहा हूँ. हिमांशु सर आप अनम्यूट कर ले. ग्रेट इवनिंग ऑल लीडर्स एंड मेंटर्स. और रवि जी सबसे पहले आपको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन. इट वाज द फर्स्ट टाइम मैंने सीमा को फोन करके आपको बेस्ट विशेस कहा भी था. थैंक यू सर. अच्छा ऑसम ऑसम. और एक दिन आपका प्रेजेंटेशन भी देखने की ख्वाहिश रहेगी सर इसी वीक में. और सीमा जी प्राउड ऑफ यू. नथिंग टू से. नो वर्ड्स. ऑल द बेस्ट. गो सेल्स मास्टर. एंड विभाजी ने तो डायमंड मास्टर ही बना दिया आपको. जी जी. बट वी हैव टू अचीव. है ना. वी विल अचीव. यस सर ऑफ कोर्स. ओके वेरी नाइस. वेरी नाइस. थैंक्स. थैंक यू सर. अब मैं अपने ग्रेट लीडर भीष्म सर को इनवाइट करता हूं. प्लीज वेलकम भीष्म सर. थैंक यू रवि. थैंक यू सो मच. एंड आपकी होस्टिंग कमाल है, जबरदस्त है. और आपने अभी अभी कहा कि इसी वीक आप प्लान दिखाने जा रहे हो. इससे बढ़िया बात नहीं हो सकती कोई. एंड मैं सीमा जी के बारे में क्या कहूँ. सी इज द यू कैन से वॉलंटियर. इन्होंने खुद कल मेरे को परसों मैसेज करके कहा कि आई एम रेडी. बिकॉज इनको जस्ट हमने कई बार अप्रोच किया था कि आप प्लान दिखाओ. एंड सी वॉज बिजी इन हर टास्क. तो सी सेड कि नहीं सर मैं अपने आप. और कल इन्होंने मेरे को मैसेज करके कहा कि आई एम नाउ रेडी टू शो द प्लान. एंड रियली सीमा जी आई एम प्राउड ऑफ यू. एंड आपको बताऊं कि यदि आपके नीचे दो सेल्स मास्टर होते हैं लेफ्ट राइट में तो आप डायमंड मास्टर बनते हो. लेकिन डायमंड मास्टर से ऊपर की जो तैयारी है यदि आपके नीचे एक डायमंड मास्टर लेफ्ट और एक डायमंड मास्टर राइट बन जाता है तो आप डायमंड मास्टर बन जाते हैं. आपके नीचे एक सैरोन रोज मास्टर सिंगल सैरोन रोज मास्टर लेफ्ट और सिंगल सैरोन रोज मास्टर राइट तो आप सैरोन रोज मास्टर बन जाते हैं. और ये कहां तक जाता है. इंपीरियल तक जाता है. एक इंपीरियल लेफ्ट में और एक इंपीरियल राइट में तो यू आर इंपीरियल मास्टर. आप सबको हालांकि पता है बट मैं रिवाइज कर रहा हूँ. और मैं यहाँ पर सीमा गुप्ता जी की लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप LOS को बधाई दूंगा. बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा स्टार्टिंग फ्रॉम विभा जी देन हिमांशु जी देन हमारे डॉक्टर अमरजीत जी रामजीवन वर्मा जी डॉक्टर एस कुमार जी एंड अवतार जी एंड ऑल द वे टू अरुण मीना जी. मैं आपको सबको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा कि आपको एक इंपीरियल मास्टर तो नीचे मिल गया. एम आई राइट सीमा जी. यस सर. थैंक यू सर. बहुत बड़ी बात है सर. एंड मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि जैसे इन्होंने कहा ना पहले भी मैंने बोला है कि ये एक ऐसी लेडी है जिनका कोई भी नेटवर्किंग बैकग्राउंड नहीं रहा है. और आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कोई नेटवर्किंग बैकग्राउंड नहीं रहा. और यदि आपका नेटवर्किंग बैकग्राउंड रहा है तो ये प्लस पॉइंट है जिनका भी नेटवर्किंग बैकग्राउंड रहा. तो
यदि सीमा जी अपनी इनकम 6 महीने में स्टार्ट कर लेती हैं, आप सोचिए बहुत बड़ी बात है ये। आप सोचिए यदि आपको जॉब लेनी है, छोटी मोटी जॉब तो मिल जाएगी, लेकिन यदि आपको एक जॉब लेनी है तो आपको कुछ पढ़ाई करनी पड़ती है 12-13 साल, 14 साल, 15 साल, 16 साल, उसके बाद में कुछ एक्सपीरियंस लेना पड़ता है, इंटर्नशिप करनी पड़ती है, देन यू टेक ए जॉब और तब आप कमाने लगते हैं। यहाँ पे कोई भी, आज आपने देखा मिस्टर सॉरी मिस किरण एंड विवेक झबर, मैं बात कर रहा था डॉक्टर एस कुमार से, 2 महीने में उन्होंने मेहनत किया। यदि यहाँ पे किरण झबर हैं तो प्लीज रेज योर हैंड, 2.5 महीने में उन्होंने अपनी इनकम स्टार्ट करी। और कल जो फॉर्मूला आपके साथ शेयर किया, यदि रिलीजियसली उस पर वर्क करते हैं तो आप 15 दिन से 30 दिन के अंदर पहली इनकम ले सकते हैं 4,000 रुपीज। एंड जो भी यहाँ पे बैठे हैं नेटवर्किंग के जानकार, उनको सबको पता है कि 4,000 रुपया कमाना 2 महीने के अंदर, वो छोड़ दीजिए कैश 4,000, ऑफर्स, अभी तो ऑफर चला हुआ है एक के साथ एक फ्री 8,000 वो कमाएंगे, फिर यदि एजेंट हो गए इसी साइकिल में तो 8,000 और कमाएंगे, 16,000 वो, ये सब नहीं बात कर रहा, ये एडिशनल है। लेकिन यदि आप सही से काम करते हैं, फॉर्मूले के साथ काम करते हैं, तो आप 1 महीने से 2 महीने के अंदर इनकम स्टार्ट कर सकते हैं। दैट इज फंटास्टिक बात इन नेटवर्किंग इंडस्ट्री, एंड इट इज पॉसिबल हेयर, यहाँ पॉसिबल है। तो सीमा जी कॉन्ग्रेचुलेट, यू आर गेटिंग मैच्योर्ड इन योर यू नो सेंस इन योर बिजनेस इन योर सोइंग प्लान, and no doubt you will go very far in this business. All thank the you. best. Thank you so much, sir. Now Ravi ji, aap invite kariye Dr. S. Kumar ko, please. yes bilkul sir, bilkul. Aap mein apne great leader yes aap mein apne great leader Dr. S. Kumar sir ko invite karta hu. Please welcome Dr. S. Kumar sir. Dr. S. Kumar se pehle ek cheez aur bolna chahunga. वीक इज स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे से वीक स्टार्ट हो रहा है। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो प्लान दिखाना चाहते हैं, तो प्लीज वॉलंटियरली आगे आएं और इस वीक को बुक कर दें पहले से कि यस दिस विल बी माय डे, ये मेरा दिन होगा, और देन पूरा वीक इसी तरीके से चलेगा। ओवर टू यू डॉक्टर स्मी। यस, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैं रवि जी को कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूँगा, क्योंकि लास्ट टाइम होस्टिंग उन्होंने करी थी और इस टाइम होस्टिंग करी, तो मैं देख रहा हूँ काफ़ी चेंजेस हैं। और एक तरीका भी यही है, और तरीका अच्छा है कि अगर कोई भी बिजनेस प्लान का प्लान कर रहे हैं, तो मैं तो यही बोलूँगा कि आप अपने अपलाइन को सबसे पहले होस्टिंग के लिए रिक्वेस्ट करें कि मैं 1-2 होस्टिंग करना चाहता हूँ। होस्टिंग से आप स्टार्ट करें, होस्टिंग से आप थोड़ा सा अपने आपको फेमिलियर बनाएं लोगों के बीच में, जैसा कि रवि जी ने किया, पहले होस्टिंग करी, आज फिर होस्टिंग हुई। और होस्टिंग में ये जो हमने एक जस्ट अपलाइन और जस्ट डाउनलाइन को हमने होस्टिंग और स्पीकर बनाया, इसके पीछे की पीछे भी एक मुद्दा है कि जब जस्ट अपलाइन होते हैं या जस्ट डाउनलाइन होते हैं, वो एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और एक दूसरे के बारे में बहुत अच्छी तरह से लोगों को बता सकते हैं। तो ये एक सिस्टम है जो हम सब ने फॉलो करना है कि सबसे पहले बिजनेस प्लान अगर आप देने के मूड में हैं, तो 1-2 होस्टिंग करें। और होस्टिंग जो भी पर्सन होस्टिंग कर रहे हैं, चाहे वो आपके सीनियर कर रहे हो, चाहे आपके सेल्स मास्टर कर रहे हो, चाहे आपके डायमंड मास्टर कर रहे हो, जो भी होस्टिंग करना चाहते हैं, वो पहले बारीकी से देखें कि होस्टिंग के दौरान हो क्या रहा है। एब्रप्टली ऐसे ही होस्टिंग में कुछ भी नहीं बोलना है कि वो एक प्राइम रोल है, जैसे कि आप आज देखा आपने रवि जी को बहुत ही सिंक्रोनाइज तरीके से, बहुत रिदमिक तरीके से, बहुत ही पेशेंटली, मतलब बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने होस्टिंग करी। होस्टिंग एक ऐसा पार्ट है जो स्पीकर के लिए एक ग्राउंड तैयार करता है। और मैं आज के स्पीकर की बात करूं तो जैसा कि उनका नाम है सीमा, तो मुझे लगता है कि वो सारी सीमाएं तोड़ती जा रही है और एक एक से बढ़िया एक रिप्रेजेंटेशन, जो प्लान प्रेजेंटेशन है और
सबसे बड़ी बात है जो पर्सनैलिटी पे उन्होंने काम किया, खुद की पर्सनैलिटी पे, तो आप सोच नहीं सकते कि वो बिल्कुल बिजनेस वूमन की तरह दिखना शुरू कर दिया है। नेटवर्किंग करना अगर है आपको, एक्यूरेटली नेटवर्किंग सचमुच में करना है, तो नेटवर्किंग के बारे में ऐसा कहा जाता है कि अगर आपकी नेटवर्किंग करने के दौरान अगर आपकी पर्सनैलिटी नहीं चेंज हो रही, इसका मतलब है आप पैसा भी नहीं कमा सकते। ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है सीमा जी आपके सामने, बीभा जीवन आपके सामने, इन्होंने अपनी पर्सनैलिटी पे भी वर्क किया है। और जिस बीभा जी से हम मिले थे शुरू में, सीमा जी से, आज वो ना तो वो बीभा जी सेम है और ना सीमा जी सेम है। तो पर्सनैलिटी पे अगर हम वर्क नहीं करेंगे तो ये तो डेफिनेट मान के चलिए कि इतना ज्यादा पैसा कमाना है और आप बिजनेसमैन भी नहीं दिख रहे, आप में बिजनेसमैन का एटीट्यूड नहीं आ रहा, तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं कोई ना कोई लैकिंग हो चुकी है। तो आप अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा सीमा जी पहले कैसे थे और अब सीमा जी क्या है। तो हाँ, ये देखो आ गई फोटो। तो ये चीज आपने समझनी है कि नेटवर्किंग सिर्फ इसलिए नहीं की जाती है। देखिए, बहुत सारे समझदार लोगों का मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा टाइम लूंगा मैं आप लोगों का। बहुत सारे समझदार लोग कहते हैं कि अपने बच्चों को नेटवर्किंग कंपनी सिर्फ इसलिए ज्वाइन करा देते हैं कि वो कहते हैं नहीं, पैसे वैसे हमें नहीं चाहिए, तुम सिर्फ वहां जाओ, एक साल काम करो और अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर लो, बस हो गया, तुम्हारा नेटवर्क कंपनी ज्वाइन करने का सिर्फ यही मुद्दा है। आप में से जितने लोगों ने यहाँ बैठे हैं, क्या आपके दिमाग में ये बात आई है कि कई लोग ऐसा भी करते हैं कि नेटवर्क कंपनी सिर्फ इसलिए ज्वाइन करवा देते हैं कि मेरे बच्चे को उठना बैठना बोलना 10 लोगों के बीच में बात करना और उसकी पर्सनैलिटी डेवलप हो जाएगी। तो नेटवर्क कंपनी सिर्फ पैसा ही नहीं देती आपको, आपकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लगा देती है। और उसमें से एक एग्जाम्पल है बीभा जी और सीमा जी आपके सामने। मैं समझता हूँ बहुत जबरदस्त प्लान था और दिन ब दिन जितना ज्यादा प्लान में पकड़ होगा, और सबसे बड़ी बात है प्लान देने के टाइम आपको ये मन में कोई शंका नहीं रहनी चाहिए कि ये पैसा आएगा कि नहीं आएगा। जिस भी पर्सन के मन में ये बात है ना कि ये होगा या नहीं होगा, खुद अगर कंफ्यूज है, खुद अगर ये नहीं सोच रहे हैं कि मैं इंपीरियल मास्टर बनने वाला हूं, ये पैसा 6 करोड़ रुपए मेरे ही बैंक में आने वाला है, तब तक आपके प्लान में जान नहीं आएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस प्लान में जान आ जाए, आपका बिजनेस प्लान बिल्कुल लिविंग की तरह बिहेव करना शुरू करे, तो ये कंफर्म दिमाग में बिठा के चलिए कि 6 करोड़ रुपया ये वाला तो मेरे खाते में आ रहा है जिसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। फिर देखिए क्या कमाल होता है बिजनेस प्लान में, बहुत जबरदस्त आपका होगा, जैसा कि आज सीमा जी का हुआ। थैंक यू वेरी मच सीमा जी और रवि जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। अब मैं अरुण बिना सर जी से पहले मैं डॉक्टर अमरजीत सर को अनम्यूट करता हूँ। डॉक्टर अमरजीत सर अनम्यूट करें। थैंक यू रवि सर। वेलकम सर, वेलकम। सर आवाज नहीं आ रही है। ओके सर, थैंक यू रवि जी। सर आवाज नहीं आ रही है। नेटवर्क एरिया में नहीं हूँ। या ओके सर, ओके ओके, थैंक यू सर। अब मैं अरुण मीना सर को इनवाइट करता हूँ, प्लीज वेलकम अरुण मीना सर। थैंक यू रवि जी, वेलकम सर होस्टिंग, इसमें कोई शक नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू। ऐसे ही करना चाहिए। देखिए उन्होंने कंप्लीट किया, ये सबसे अच्छी बात है, उन्होंने किसी को ट्रांसफर नहीं किया। तो रवि जी कांग्रेचुलेशन, बहुत शानदार। थैंक यू सर। और सीमा जी को एक ही चीज कहना चाहता हूँ, मेरे को 2-3 बार और टोकना पड़ेगा आपको, ताकि आप जिसको कहते हैं इसी तरह से अच्छा वाला प्लान दें। सच में आज का वो कॉन्फिडेंस और आज का वो लय कहते हैं हम लोग, फ्लो कहते हैं, और कहते हैं ना पढ़ के नहीं देना, एक दिलो दिमाग से मन से निकलते हैं बातें, आपने एक्चुअली आज वो वाली बातें करी, और कितना फ्लो और कितना कॉन्फिडेंस और कितना अच्छा हो रहा था, वो समझ में आ रहा था कि कोई बोल रहा है। सारे लोग जितने भी यहाँ पे थे आज, 70+ थे, सब लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे थे। तो सच में ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए मैम, और ये आया है नो डाउट,
उस समय मुझे लगा था यहाँ ये कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है, आज वो सब ने महसूस किया और ये बढ़ना चाहिए। ये जितना बढ़ेगा आपके बोल में आपका मतलब कि कॉन्फिडेंस कहते हैं ना बहुत अच्छा हो जाता है, जितना तो वो फ्लो भी और अच्छा आता है। जैसे अभी डॉक्टर एस कुमार ने कहा बहुत अच्छी बात कि 6 करोड़ मेरे ही खाते में आएगा, जिस दिन ये मान लेंगे ना तो वो कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ता ही जाएगा और बढ़ना ही चाहिए। और विवेक बिंद्रा जी ने एक बात कही थी कि मैं थोड़ी मेरे साथ कुछ ये प्रॉब्लम रहेगी तो ये सुन लीजिएगा, विवेक बिंद्रा जी ने बिल्कुल क्लियर कहा था कि मैं अपने बेटे को 1 साल के लिए नेटवर्क मार्केटिंग जरूर कराऊंगा। वो इतने बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उन्होंने भी ये शब्द कहे हैं अपने वीडियो में, आप लोग देख सकते हैं। पैसे की वजह से नहीं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की वजह से ही उन्होंने भी कहा था कि यहाँ पे सीखते बहुत ज्यादा है, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी बनती है और कॉन्फिडेंस लेवल जो है फुल ऑन हाई हो जाता है। सबसे पहले थैंक यू सीमा मैम, बहुत शानदार जबरदस्त, आप बहुत अच्छा आज का फ्लो था, आपका कॉन्फिडेंस था और आपको पता था कि आज आप एक कहानी बता रहे हैं हर एक चीज की, तो ये बहुत जबरदस्त था। आपने हर एक उसको अलग जोड़ा, तो ये हर कोई नहीं कर सकता, हर कोई सिंपल प्लान दे सकता है बट आपने उसको बीच में हर चीज से जोड़ा, ये बहुत शानदार किया आप। आपके दिलो दिमाग में बसा होना चाहिए तब प्रेजेंटेशन आपकी हमेशा अच्छी होगी। आप सोच के और देख कर बोलेंगे कभी वो फ्लो नहीं आ सकता किसी भी हाल में, आपके मन में बसा हुआ होना चाहिए, दिलो दिमाग में बसा होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। जब भी आप इस लेवल पे पहुंच जाएंगे तो आप समझ लीजिए आप कहते हैं ना कि एक उस लेवल पे चले गए हैं जहां आप पहुंचना चाहते हैं। पैसा आया नहीं आया डजंट मैटर, लेकिन आप उस लेवल पे ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, तो कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, ओवर टू यू रवि जी। थैंक यू सर, थैंक यू। विभा कुमारी जी को फिर से कुछ बोलना है क्या, मैं एक बार अनम्यूट करता हूँ। लेकिन डायरेक्ट कभी आपका आवाज भी नहीं सुने थे, पहली बार सुने, सही में बहुत अच्छा, आप इतना सिस्टमेटिक ढंग से आप कर रहे हैं ना, बहुत अच्छा। थैंक यू मैम, थैंक यू, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू मैम। ओके फ्रेंड्स, सभी भी किसी को कुछ बोलना है तो हैंड रेज कर सकते हैं, कोई भी किसी को भी कुछ भी बोलना हो। इंद्रानी मैम, मैं वेलकम टू इंद्रानी मैम। थैंक यू एवरीबॉडी, नमस्ते एंड गुड इवनिंग सब पार्टिसिपेंट्स एंड लीडर्स को। गुड इवनिंग मैम, फैबुलस होस्टिंग बाय द होस्ट एंड सीमा जी, मनी ब्यूटीफुल प्लान, ऑलवेज इज अ फैंटास्टिक प्लान, बहुत ही अच्छा प्लान था एंड आपका बिजनेस बढ़ रही है वो तो हम देख रहे हैं एंड विश यू ऑल द बेस्ट। आप ऑटो सेल्स मास्टर चाहिए और क्या चाहिए हमको, सो मैंने बोला था यहाँ से बहुत ही ऑटो सेल्स मास्टर निकलेंगे, लीड द वे, एब्सोल्युटली ग्रेट प्लान। थैंक यू मैम। सर अब हम लोग आज का सेशन को एंड करते हैं, सचिदा चौरसिया सर एक बार हैंड रेस कर रहे हैं, मैं उनको अनम्यूट करता हूं। सर मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, चौरसिया सर, वेलकम वेलकम सर। नमस्कार सर। ओके नमस्कार सभी को, मेरा नाम एसपी चौरसिया और मैं सरकारी जॉब में हूं और मैं पूरे एटॉमिक फैमिली से चाहूंगा कि रवि जी के लिए जोरदार क्लैपिंग किया जाए और सीमा दीदी के लिए। आज मैं पूरा प्लान बहुत ही गौर से देखा हूँ, काफी कुछ नोट भी बनाया हूँ, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अब हम लोग आज का सेशन एंड करते हैं। करेक्ट रवि जी, थैंक यू एंड सीमा जी अगेन, आपको बहुत शानदार दोनों को कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। दोस्तों कल मिलते हैं फिर से
आई थिंक नहीं होगा, विषम जी से कंफर्म कर लीजिएगा। तो मंडे मिलेंगे हम 8 o'clock। जय हिंद सभी को, नमस्कार, गुड मॉर्निंग।